नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा लेकर आए हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 5 के EVS विषय के पाठ क्रमांक 19 किसानों की कहानी बीच की जुबानी लिया है। इस पाठ के अंतर्गत विभिन्न फसलों, विभिन्न बीज और अनाज के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा अर्थात विद्यार्थी अपने घर और घर के आसपास के वातावरण से अनुभव लेकर ही पाठ की समझ विकसित कर लेते हैं और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ के विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास आदि सारे गुण बच्चों में धीरे 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 इस नवाचार के कारण विकसित होने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिविजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक पहले ही से यह सुनिश्चित करके रख लेते हैं कि पाठ के निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में पहले ही कंप्लीट हो चुकी हो इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व। जब नवाचार का क्रियान्वयन किया जाता है गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का, तो सारे विद्यार्थियों को शिक्षक एक शीट देते हैं, एक तालिका देते हैं, एक सारणी देते हैं और बोलते हैं कि आप उसको घर ले जाइए, घर में अपने अभिभावकों के साथ बैठ के इसको भर के लाइए और दूसरे दिन कक्षा में सब बच्चों को सुनाइए। ऐसा सारे विद्यार्थी करते हैं। अब एक तालिका में क्या होता है, एक तरफ फसल के नाम लिखना होते हैं बच्चों को और दूसरी तरफ बीज और अनाज के नाम लिखने होते हैं। तो वो सारणी बच्चे घर ले जाते हैं, अपने अभिभावकों के साथ बैठते हैं और आसपास खेतों में क्या लगा है, कौन सी फसल लगी है और कौन से बीज और कौन से अनाज मिलते हैं उसके बारे में लिख देते हैं। जैसे फसल लिख सकते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, अनाज में गेहूं, चावल लिख सकते हैं, बीज के नाम लिख सकते हैं, सब भर के उस सारणी को लाते हैं और दूसरे दिन सभी बच्चों को सुनाते हैं। जब ऐसा सभी बच्चे करते हैं तो अनाज के बारे में, फसल के बारे में, बीजों के बारे में सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मैं उम्मीद है कि इस नवाचार का क्रियान्वयन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस नवाचार का क्रियान्वयन आप अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम और बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।